उधम सिंह नगर जनपद में भी डेंगू का कहर बढ़ने लगा है। उधम सिंह नगर जनपद में अब तक 16 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 868 सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 16 मरीजों की जांच रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद सभी का उपचार किया गया। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर जनपद में 16 मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनीता रतूड़ी चुफाल ने भी सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों डेंगू के मरीज के संबंध में जानकारी सीएमओ को देने के लिए कहा गया। जिले के सीएमओ ने बताया डेंगू से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सरकारी अस्पतालों में डेंगू की जांच और इलाज करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। स्कूल्स और ग्राम स्वास्थ्य समितियों के थ्रू हम लोग जो है अपना अभियान चालू रखे हुए हैं। हमारे आशाओं ने 3 बार घर घर जाके सर्वे कर दिया है। उन्होंने 47,677 जो है घरों को उन्होंने चेक कर लिया है और 9 कंटेनर में उनको लार्वा मिले थे, जिसमें हमने लार्वा साइट करवा दिए। जहाँ जहाँ पॉजिटिव आते हैं उनके घरों में भी हम लोग आशाओं के थ्रू उस घर में जो है एंटी लार्वल का छिड़काव करवाते हैं।